नमस्कार किसान दोस्तों, तेज एग्रो पर आपका स्वागत है। आज किसान भाइयों, हम बात करेंगे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए किस तारीख से पहले और किस तारीख के बीच बीच में बुआई हो जानी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में गेहूं की खेती बहुत बड़े स्तर पर की जाती है और गेहूं का जो समशीतोष्ण से लेकर उष्णकटिबंधीय और ठंडे उत्तरी भागों तक की जलवायु में इसे बोया जा सकता है। गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए ये खास खबर है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अब नवंबर का जिस तरीके से महीना चल रहा है, तो वहीं किसानों को डीएपी के लिए भी काफ़ी सारी राज्यों में या कई ज़िलों में दिक्कत या फिर डीएपी की कहिए किल्लत है, वो चल रही है। मगर असलियत में जो नवंबर महीना है, यही महीना गेहूँ की बुआई जो बीज की बुआई के लिए बहुत ही सही और उपयुक्त जो टाइम है। मगर 20 नवंबर से पहले पहले क्या अच्छी उपज लेने के लिए आपको बुआई कर देनी चाहिए, ये हम जान लेते हैं। अगर सिफारिश हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की माने तो किसान गेहूं की अच्छी उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो वो गेहूं की बीज की बुआई 20 नवंबर से पहले पहले कर लें, जिससे गेहूं की फसल यानी जो वीट क्रॉप है उससे अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकती है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि गेहूं की समय से बुआई करने पर गेहूं की फसल में उचित मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है और गेहूं की फसल के बीज का अनुकरण भी अच्छा होता है, अंकुरण शक्ति उसकी बढ़ती है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि किसान गेहूं की बीज की बुआई देरी से करते हैं तो उनकी फसल की पैदावार काफ़ी प्रभावित हो सकती है। ये हम भलीभांति जानते हैं कि गेहूं की अगर देर से बुआई करेंगे तो दाने में वजन की कमी आ जाती है। यदि किसान भाई गेहूं से अच्छा पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं तो गेहूं की उन्नत किस्मों का भी उन्हें सिलेक्शन करना जरूर होगा। हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जो अमूमन तौर पर अच्छा बम्पर पैदावार दे सकती है, जिसमें सबसे पहला नाम है वो DBW 222 या फिर करण नरेंद्र है। इस किस्म की खासियत यह है कि 143 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 61 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से पैदा होती है। इसके अलावा गेहूं के अन्य किस्मों में जैसे आप देखेंगे DBW 187 है, NWPJ एड और DBW 187, NPGD और DBW 252 और 47, ये 43 ये अच्छी किस्में हैं, वो इसके लिए उचित मानी जाती है। गेहूं की अच्छी पैदावार करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा दी जाने वाली जानकारी को भी आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो इसके लिए आपको बेहतर तरीके से यही एक सबसे अच्छा उपाय है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप भी जरूर रखिए। किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं और एक आपसे गुजारिश है, आप तेज एग्रो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ताकि खेती बाड़ी से संबंधित हर वो बात हम आप तक पहुंचा सकें। गेहूं की बुआई अधिकतर धान के बाद की जाती है, अंत गेहूं की बुआई में ज़्यादातर देर हो जाती है। हमें पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए कि खरीफ में धान की कौन सी प्रजाति का चयन करें, रबी में उसके बाद गेहूं की कौन सी प्रजाति बोएं। गेहूं की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए धान के समय में बुआई ज़रूरी है और ख़ास करके गेहूं के लिए अक्टूबर महीने में भी खेत है वो खाली हो जाते हैं। दूसरी बात बहुत ज़रूरी बात है, वो है धान में जो पंडलिंग लेवा के कारण भूमि कठोर हो जाती है, भारी भूमि से पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई के बाद डिस्क हैरो से दो बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बनाकर गेहूं की बुआई करना सही होता है। डिस्क हैरो के प्रयोग से धान के ठूंठ छोटे मोटे टुकड़ों में कट जाते हैं। शिगर चढ़ाने हेतु 15 से 20 किलोग्राम आप यूरिया के रूप में प्रति हेक्टेयर खेत को तैयार करके पहले जुताई पर अवश्य आपको दे देना चाहिए। ट्रैक्टर चलित रोटावेटर द्वारा भी जुताई में खेत पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। गेहूं की बुआई के समय से पर्याप्त नमी प्राप्त करना चाहिए। देर से पकने वाली प्रजातियों की बुआई समय से अवश्य कर देनी चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। जैसे जैसे बुआई में विलंब होता जाता है गेहूं की पैदावार में गिरावट की दर बढ़ती चली जाती है। तो अनुमानन दिसंबर में बुआई करने पर गेहूं की पैदावार में 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको नुकसान दर घटती है। जनवरी में बुआई करने से 4 से 5 क्विंटल की जो देरी है वो हो जाती है।
ये ज़रूरी बातें थी किसानों के लिए जो हमने आज आपको बताया कि किस तरीके से गेहूं की खेती का जो सही वक्त और बीज दर बीज शोधन और बुवाई करने की जो विधि है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें अच्छी लगी होगी और आप भी कमेंट सेक्शन में किसान भाई, अगर आप प्रगतिशील किसान हैं, आप भी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर छोड़िएगा, हम आपसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिट्टी दी खुशबू।